आजकल देश में सबसे बड़ी समस्या जो है वो प्लास्टिक वेस्ट की है। आए दिन प्लास्टिक बैन करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का नारा भी दिया जाता है, पर हम हैं कि मानते ही नहीं। तो क्या आपको पता है कि हम डेली बेसिस पर कितना प्लास्टिक यूज कर लेते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। इंडिया में डेली 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो 9,000 हाथियों के बराबर हम प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन अब नोएडा ने इस प्लास्टिक वेस्ट को यूज करने का एक तरीका निकाल लिया है, पर कैसे ये हम आपको बताते हैं। नोएडा में प्लास्टिक वेस्ट को यूज करके एक्सप्रेस हाईवे जैसे स्मूथ रोड बनाए गए हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर ये सच है। इस बात की जानकारी खुद नोएडा अथॉरिटी ने दी है। नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर 500 मीटर का एक सर्विस लेन का स्ट्रेच बनाया है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये जो प्लास्टिक वेस्ट से रोड बनाने वाली टेक्निक है वो इंडिया में एक प्रोफेसर ने ढूंढी थी। अब गवर्नमेंट ने हर रोड बनाने वाली कंपनी को आदेश दिया है कि वो इस पर काम करे और ज्यादा से ज्यादा रोड को प्लास्टिक वेस्ट से बनाया जाए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन है ये प्रोफेसर जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को यूज करने का तरीका निकाला है। मदुरई के थियागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजगोपालन वासुदेवन ने इस टेक्निक का इन्वेंशन किया था। इसके बाद इन्हें प्लास्टिक मैन के नाम से भी बुलाया जाने लगा है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी नोएडा से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।